हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शेयर मार्केट विद विनी। फ्रेंड्स, आरपीजी लाइफ साइंस की तरफ से मार्च क्वार्टर के फिनेंशियल रिजल्ट्स आउट हो चुका है और आज के इस वीडियो में हम लोग आरपीजी लाइफ साइंस के फिनेंशियल रिजल्ट्स का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कंपनी में कैसा अपडेट आए, कौन कौन से अपडेट्स आए और कंपनी की तरफ से कोई डिविडेंड इशू हुआ है या नहीं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो आज के दिन बोर्ड मीटिंग में फर्स्ट जो अप्रूव हुआ है वो है ऑडिटेड फिनेंशियल रिजल्ट्स, जो कि क्वार्टर और ईयर एंडेड का रिजल्ट है। फ्रेंड्स, साथ में कंपनी ने 9.6 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर की कंपनी ने डिविडेंड रिकमेंड किया है, जो कि फेस वैल्यू का 120% का डिविडेंड अमाउंट होगा। और देख सकते हैं फ्रेंड्स, कंपनी ने जो है सो मिस्टर्स एस आर बी सी एंड कंपनी LLP फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर दिस है एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी जो है सो अपॉइंटमेंट अप्रूव कर लिया गया है, जो कि देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, कंपनी का हम लोग अगर बात करें यहाँ पे नंबर्स की ओर चले तो कंपनी का नंबर्स हम लोग एक बार देख रहे थे, कंपनी ने कैसा परफॉर्मेंस दिया, देख सकते हैं लैक्स में नंबर्स है। और यहाँ पे अगर हम लोग टोटल इनकम की अगर बात की जाए तो कंपनी का जो इनकम है उस पर देख सकते हैं 105 करोड़ के अराउंड कंपनी का इनकम देखने को मिल रहा है, जबकि दिसंबर 21 क्वार्टर में अगर देखें तो 116 करोड़ के अराउंड इनकम देखने को मिल रहा था और मार्च 21 क्वार्टर में 93 करोड़ के अराउंड इनकम देखने को मिल रहा था। देख सकते हैं इस बार फ्रेंड्स एक नेगेटिव पॉइंट ये निकल के आ रहा है कि कंपनी का जो क्वार्टर एंडेड का जो रिजल्ट है क्वार्टर ओवर क्वार्टर का थोड़ा सा इनकम में डाउन गई है, देख सकते हैं। बट अगर हम ईयर ऑन ईयर की देखें तो इनकम में अच्छी खासी ग्रोथ है, और अगर हम फिनेंशियल ईयर की अगर देखें तो फिनेंशियल ईयर में भी कंपनी का जो है बहुत ही शानदार तरीके से इनकम में ग्रोथ हुआ पिछले फिनेंशियल ईयर से। अगर हम एक्सपेंस की बात की जाए तो देख सकते हैं 94 करोड़ के अराउंड कंपनी का एक्सपेंस हुआ है, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में अगर देखें तो 95 करोड़ के अराउंड कंपनी का एक्सपेंस देखने को मिल रहा था, और मार्च 21 क्वार्टर में अगर देखें तो 84 करोड़ के अराउंड कंपनी का एक्सपेंसेस देखने को मिल रहा था। इस बार की जो एक्सपेंसेस है बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रहा है पिछले क्वार्टर से, जिसकी वजह से फ्रेंड्स प्रॉफिट्स में से बहुत प्रॉफिट में इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और ईयर ऑन ईयर में प्रॉफिट देख सकते एक्सपेंस थोड़ा सा कम हुआ है, देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम लोग प्रॉफिट की बात करें, जो कि प्रॉफिट फॉर द पीरियड है, देख सकते हैं 7.5 करोड़ के अराउंड कंपनी का प्रॉफिट निकल के आया है, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में 14 करोड़ के अराउंड कंपनी का प्रॉफिट निकल के आया था और दिसंबर 21 क्वार्टर में 6.92 करोड़ के अराउंड प्रॉफिट देखने को मिल रहा था। देख, जैसा भी मैंने कहा फ्रेंड्स, कंपनी का इनकम में बहुत ज़्यादा डाउन गई है, तो इसके वजह से कंपनी का प्रॉफिट इस बार आधा निकल के आया पिछले क्वार्टर से, जबकि मार्च 21 क्वार्टर से अगर देखें तो प्रॉफिट्स में थोड़ा सा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और फिनेंशियल ईयर की अगर बात करें तो फिनेंशियल ईयर में देख सकते हैं इस बार प्रॉफिट्स में भी बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल रहा है। फ्रेंड्स, क्वार्टर एंडेड में जो प्रॉफिट्स में डाउन गई है पिछले क्वार्टर से, इसको मार्केट जो है सो नेगेटिव मिलेगा और इसके शेयर्स पे थोड़ा सा गिरावट देखने को मिलेगा। मंडे के दिन जब ट्रेडिंग सेशन होगा इस शेयर्स की, जो शेयर्स में जो है सो भारी गिरावट देखने को मिल सकता है। अगर हम यहाँ कंपनी का EPS की अगर बात करें तो देख सकते हैं 4.55 रुपीज़ का EPS है, जो कि पिछले क्वार्टर से जो कि लगभग आधा EPS मतलब 50% जो है सो अराउंड 45 to 50% जो है सो EPS में डाउन देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कोई डाउट हो स्टॉक्स को लेकर तो कमेंट बॉक्स में पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।